का अमल करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर छः दिया हुआ है, छः ज़रब तीन यानी छः का पहाड़ा तिया तक पढ़ना है। छः एकम छः, छः दोनी बारह, छः तीय 18 यानी कि यहाँ पर आया हमें छः को तीन से ज़रब देंगे तो छः तिया 18 जवाब आया। दूसरी मिसाल, तीन तीन को ज़रब करना है पाँच से यानी कि तीन को पंजे तक पढ़ना है। तीन एकम तीन, तीन दोनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, पांच ज़रब 7, पांच को 7 मरतबा पढ़ना है। पांच एकम पांच, पांच दून 10, पांच तिया 15, पांच चौक 20, पांच पंजे 25, पांच छके 30, पांच सत्ते 35, पांच सत्ते 35 यानी कि तीन पे 5 35। तीन को 8 से ज़रब देना है। तीन एकम तीन, तीन दोनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, तीन छक्के 18, तीन सत्ते 21, तीन अठे 24। अब हमें क्या दिया, चार ज़रब छः, चार एकम चार, चार दोनी 8, चार तिया 12, चार चौक 16, चार पंजे 20, चार छक्के 24। आठ ज़रब 7, आठ का पहाड़ा 7 तक पढ़ना है। आठ एकम आठ, आठ दून 16, आठ तिया 24, आठ चौक 32, आठ पंजे 40, आठ छक्के 48, आठ सत्ते 56। ज़रब की मिसालें बनाओ और हल करो। हमें यहाँ पर नीचे ज़रब की मिसालें दी हुई है, उसे हमें हल करना है। नीचे दी हुई तस्वीरों की मदद से बनाई हुई मिसालें, यानी कि हमें यहाँ पर तस्वीर दी हुई है, उसकी मदद से हमें मिसाल हल करना है। पहली मिसाल क्या दी हुई है हमें यहाँ पे, एक लाइन में छह फूल है तो ऐसी चार लाइनों में कितने फूल हैं। हमें एक लाइन में कितने फूल बताया, छह, एक दो तीन चार पाँच छह, एक लाइन में फूल कितने हैं, छह। और लाइन, हमें लाइन की तादाद कितनी दी हुई है यहाँ पे, एक दो तीन चार, चार लाइन दी हुई है हमें, यानी कि लाइन कितनी दी हुई है, चार। तो हम क्या करेंगे, चार ज़रब छः, चार को छः से ज़रब करेंगे। चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तिया 12, चार चौक 16, चार पंजे 20, चार छक्के 24। तो कितने फूल होंगे हमारे पास, कुल 24 फूल होंगे। चले हमारी दूसरी मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। एक डब्बे में खाली जगह गेंदे है तो खाली जगह डब्बों में कुल गेंदे कितनी है। खाली जगह, एक डब्बे में हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है, सबसे पहले एक डब्बे में कितनी गेंदे है, चलो गिनेंगे हम, एक दो तीन, एक डब्बे में कितनी गेंद है, तीन गेंद है। तो डब्बों में, तो डैश डैश डब्बों में मालूम करना है, तो हम पहले हम क्या गिनेंगे, डब्बों की तादाद गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, कितने डब्बे हैं, सात। अब हमें क्या मालूम करना है, कुल गेंदे मालूम, तीन को हम सात से ज़रब देंगे यानी कि तीन का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे। तीन एकम तीन, तीन दून छः, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, तीन छके 18, तीन सत्ते 21। तो हमारे पास कुल गेंदे कितनी है, 21। चलिए तीसरी मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। इस मिसाल में हमें क्या दिया हुआ है, गुड़िया, कितनी गुड़िया दी हुई है, एक दो तीन चार पांच गुड़िया दी हुई है और एक गुड़िया की कीमत कितनी है, 8 रुपए। तो हमें क्या करना है, ये पांच गुड़ियों की कीमत मालूम करना है। कितनी गुड़िया दी हुई है हमें, डबल से गिनेंगे, एक दो तीन चार पांच, कितनी गुड़िया, पांच, पांच को हम ज़रब करेंगे 8 से। पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी 10, पाँच तिया 15, पाँच चौक 20, पाँच पंजे 25, पाँच छक्के 30, पाँच सत्ते 35, पाँच अट्ठे 40।
क्या जवाब आया हमारा? 40, यानी कि 5 गुड़ियों की कीमत कितनी होगी? 40 रुपये। अब नीचे हमें चौथी मिसाल दी हुई है, उसमें हमें टोकरी है और टोकरी के अंदर सेब है। एक टोकरी में कितने सेब है? 1, 2, 3, 4, 5 सेब है। एक टोकरी में कितने सेब है? 5। और टोकरी की तादाद कितनी है? 1, 2, 3, 4। यानी कहो हम 5 को 4 से सर्व करेंगे। 5 एकम 5, 5 दून 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। 4 टोकरियों में टोटल सेब कितने होंगे? 20 सेब होंगे। कुल सेब की तादाद कितनी आ गई? 20। चलिए हम अब आगे की मिसालें हल करते हैं। अभी तक हमने पेज नंबर 30 का पढ़ा था, अब हम पेज नंबर 31 पर जाएंगे। पेज नंबर 31, जर्ब करने के लिए पहाड़ों का इस्तेमाल। हमें यहाँ पर पहाड़ों का इस्तेमाल करके जर्ब करना है, तो हमें शुरू में कुछ मिसालें हल करके बताई हुई है, पहले हम उसको समझते हैं। पहली मिसाल, जक्का ने अपनी सालगिरह के लिए 5 रुपये की एक पेन के हिसाब से 6 पेने खरीदे, तो इसे दुकानदार को कितने रुपये देने होंगे? जक्का नाम का एक लड़का है जिसने उसकी साल 5 रुपये की एक पेन ली उसने, और कुल कितने पेन ली? 6 पेने खरीदे, तो एक पेन की कीमत कितनी है? 5 है, तो हमें क्या मालूम करना है? 6 पेन की कीमत क्या है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत कितनी है? 5 रुपये। और हमने कितनी पेन खरीदी? 6, यानी कि हम क्या करेंगे? 5 को 6 से जर्ब देंगे, यानी 5 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे। 5 6 30, कितना जवाब हमारा? 30, यानी कि उसने कुल कितने रुपये दिए? 30 रुपये दिए। चलो कुल कीमत मालूम करने के लिए 5 का पहाड़ा 5 6 के तक पढ़ना होगा, 5 6 के 30, इसलिए कुल 30 रुपये देने होंगे। यहाँ पर हमें वजाहत करके भी बताया है। चले हम आगे बढ़ते हैं। अब एक कतार में 8 पेड़, तो 5 कतारों में कितने पेड़ होंगे? हमें एक कतार में 8 पेड़ बताए गए हैं, तो हमें मालूम करना है कि 5 कतार में कितने पेड़ होंगे। कतारे हमें यहाँ पर क्या दी हुई है? कतारे, और हर कतार में पेड़, हर कतार में पेड़ कितने हैं? 8, यानी कि एक कतार में पेड़ है 8 पेड़, तो हमें 5 कतार में कुल कितने पेड़ होंगे ये मालूम करना है। कतारे, कितनी कतारे मालूम करनी है? 5, और हर कतार में पेड़ कितने हैं? 8। अमल, अमल जो करना है, हमें कौन सा अमल करना है? जर्ब का अमल। 8 का पहाड़ा इस्तेमाल करेंगे, हम क्या करेंगे? 8 का पहाड़ा इस्तेमाल करेंगे। 8 को हम 5 से जरब देंगे, 8 का पहाड़ा हम 5 तक पढ़ेंगे। 8 5 कितने होते? 40, तो हमारे कुल कितने पेड़ हो गए? 40 पेड़ हो गए, यानी कि 5 कतार में कितने पेड़ हैं? 40 पेड़ हैं। चलिए अब हमें ये मिसाल खुद से हल करना है। एक डब्बे में 9 लड्डू हैं, ऐसे 60 डब्बों में कितने लड्डू होंगे? अमल जो करना है, हमें कौन सा अमल करना है? जर्ब का अमल करना है, तो हमें कौन एक डब्बे में 9 लड्डू दिए हुए हैं, तो हमें 9 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 9 को हम 7 से जरब देंगे, तो 9 को हम 7 से जरब देंगे, यानी कि 9 को हम 7 तक पढ़ेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, तो हमें कुल लड्डू कितने मिल गए? 63, 6 पे 3 63, हमें कुल लड्डू की तादाद कितनी मिल गई है? 63। चलिए अब आगे की मिसाल हल करते हैं। एक हफ्ते में 7 दिन, तो 4 हफ्तों में कितने दिन होंगे? 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, हमें एक हफ्ते में 7 दिन दिए हुए हैं और 4 हफ्तों में कितने दिन है ये मालूम करना है, तो हम 7 को जर्ब करेंगे 4 से, 7 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दून 14, 7 3 21, 7 4 28।
दो पे 8, 28, यानी के 4 हफ्तों में 28 दिन होते हैं। एक लाइन में 8 फर्शियां हो तो 3 लाइनों में कितनी फर्शियां होंगी? एक लाइन में फर्शियां 8 और हमें 3 लाइन की फर्शियों की तादाद मालूम करना है, कुल फर्शियां मालूम करना है। तो हमें 3 को 8 से जरब देना होगा। 3 का पारा हम 8 तक पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। वैसे ही हमें यहाँ पर तरतीब ऊपर नीचे करके दी हुई है। यहाँ पे जैसे हम पहले फर्शियों की तादाद दी थी, वैसे हमें यहाँ पर लाइन की तादाद दी है। और यहाँ पर लाइन की तो यहाँ पर फर्शियों की ऊपर नीचे करके। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 8 जरब 3, 8 को 3 तक पढ़ना है। 8 का पहाड़ा, 8 एकम 8, 8 दून 16, 8 तिया 24। कुल फर्शियों की तादाद कितनी होंगी 3 लाइनों में? 24। एक अमरूद की कीमत 6 रुपए है। अकरम, रूही, राशिद और सलमा चारों में से हर एक को एक अमरूद देने के लिए कितने रुपये के अमरूद खरीदने होंगे? एक अमरूद की कीमत कितनी है? 6। और बच्चे कितने हैं? 4। तो हम 4 जरब 6, 4 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 5 पंजे 20, 4 छक्के 24। कुल कितने रुपए देना होंगे हमें? 24। अगर 4 बच्चों के लिए अमृत खरीदना है तो 24 रुपए देने होंगे। अब हम जर्ब की खसूसियत पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें 3 बड़े दायरे दिए हुए हैं, 1, 2, 3। और बड़े दायरों के अंदर छोटे छोटे गोल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। छोटे गोल कितने हैं? 5, यानी के 3 जरा 5। 3 को हम 5 तक पढ़ेंगे, 3 पंजे 15। वैसे यहाँ पर हमें 5 बड़े गोल दिए हुए, 1, 2, 3, 4, 5, और उसके अंदर छोटे छोटे 1, 2, 3, 3 छोटे गोल दिए हुए, यानी कि हम 5 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दून 10, 5 तिया 15। 5 जरब 3, 5 का पहाड़ा 3 तक। 5 एकम 5, 5 दून 10, 5 तिया 15। 3 जरब 5, 3 का पहाड़ा हम 5 तक पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। यहाँ पर हमने क्या किया, अददों की तरतीब ऊपर नीचे की। 5 जरब 3 किया और यहाँ पर 3 जरब 5 किया। अदद को हमने ऊपर नीचे लिखा लेकिन हमें हासिल जर्ब में कोई फर्क नहीं मिला। यानी के जर्ब की खसूसियत ये है कि अदद ऊपर नीचे करने पर भी हासिल जर्ब वही आता है। चलो अब हम नीचे की मिसाल हल करेंगे। जर्ब करो और जांच करो। 9 जरब 2, 9 का पारा हमको 2 तक पढ़ना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। वैसे ही 2 जरब 9, 2 का पारा हमको 9 तक पढ़ना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नहे 18। 7 जरब 6, 7 का पारा हमको 6 तक पढ़ना है। 7 एकम 7, 7 दून 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42। वैसे हमें 6 जरब 7, यानी कि 6 का पारा 7 तक पढ़ना है। 6 एकम 6, 6 दून 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42। यहाँ पे हमें 8 जरब 3, 8 का पारा 3 तक पढ़ना है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 3 जरब 8, 3 का पारा हमें 8 तक पढ़ना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। 6 जरब 5, 6 का पारा हमें 5 तक पढ़ना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। 5 जरब 6, 5 का पारा हमको 6 तक पढ़ना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30। हमने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ अदद जो है उनकी जगह बदली। जैसे कि यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 तो यहाँ पर 6, मगर हमें हासिल जर्ब एक ही मिला। यहाँ पर भी हमने वही किया, 8 जरब 3, यानी कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 3,
यहाँ पर आठ, यहाँ पर आठ, अदद की जगह हमने तब्दील कर दी लेकिन हासिल हज़ार वही मिला। अददों की तरतीब तब्दील हो जाए तब भी ज़र्ब वही आती है, जबकि क्या खुशियत है कि अगर हम अदद की तरतीब चेंज करें तो भी हमें वही जवाब मिलता है। जैसे पाँच ज़रब छः मसावी है छः ज़रब पाँच के, वैसे ही तीन ज़रब आठ मसावी है आठ ज़रब तीन के, वैसे ही छः ज़रब सात मसावी है सात ज़रब छः के, उसी तरह दो ज़रब नौ मसावी है नौ ज़रब दो के, जो कि हमने ऊपर देखा है जिसके हासिल ज़रब सेम ही आया। सिफर की ज़रबी खसूसियत, अब हम पढ़ेंगे सिफर की ज़रबी खसूसियत। हमें यहाँ पर चार कटोरी दी हुई है, एक दो तीन चार, कितने कटोरियाँ दी हुई हैं चार, और हर कटोरी में कितने छोटे छोटे गोलियाँ हैं, एक दो एक दो एक दो एक दो, यानी कि हर कटोरी में कितनी गोलियाँ है, दो गोलियाँ है, तो हम इसे दो जमा दो जमा दो जमा दो इस तरह लंबा लिखने की जगह हम क्या करेंगे, दो ज़रब चार, यानी कि हर कटोरी में कितनी गोलियाँ है, दो, और कुल कटोरिया कितने चार, इसलिए हम करेंगे दो ज़रब चार, दो का पारा हम चौक तक पढ़ेंगे, दो एक हम दो 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 चार दो तीन छः दो चौक आठ, तो क्या जवाब है रामा, आठ। वैसे ही हमें यहाँ पर नीचे एक दो तीन चार और कितने कटोरी दी, चार, और हर कटोरी में छोटे छोटे गोले कितने हैं, सिर्फ एक गोली, हर कटोरी में एक गोली है, तो हम इसको एक एक जमा एक जमा एक जमा एक लिखने की बजाय एक ज़रब चार, एक का पारा हम चौके तक पढ़ेंगे, एक एक कम एक, एक दो नी दो, एक तय तीन, एक चौक चार, तो कितना जवाब आया, चार। अब हमें नीचे फिर कितने कटोरी दी, एक दो तीन चार, चार कटोरी मगर अंदर कितने गोलियां है, कुछ भी नहीं, यानी कि सिफर, तो हम क्या करेंगे, सिफर को ज़रब देंगे चार से, तो हमारा क्या जवाब आएगा, सिफर। किसी भी अदद को सिफर से ज़रब की जाए या सिफर को किसी भी अदद से ज़रब की जाए तब हासिल ज़रब सिफर ही आता है, जैसे चार ज़रब सिफर या सिफर ज़रब चार, तो हमारा जवाब क्या आया, सिफर। कितना भी बड़ा अदद हो अगर हम उसे सिफर से ज़रब देंगे तो हमें सिफर ही जवाब हासिल होगा। पाँच ज़रब तीन किया और यहाँ पर तीन ज़रब पाँच किया, अदद को हमने ऊपर नीचे लिखा लेकिन हमें हासिल ज़रब में कोई फर्क नहीं मिला, यानी कि ज़रब की खसूसियत ये है कि अदद ऊपर नीचे करने पर भी हासिल ज़रब वही आता है। चलो अब हम नीचे की मिसालें हल करेंगे, ज़रब करो और जांच करो। नौ ज़रब दो, नौ का पारा हमको दो तक पढ़ना है, नौ एकम नौ, नौ दोनी अठारह, वैसे ही दो ज़रब नौ, दो का पारा हमको नौ तक पढ़ना है, दो एकम दो, दो दोनी चार, दो तीन छः, दो चौक आठ, दो पंच दस, दो छक्के बारह, दो सत्ते चौदह, दो अट्ठे सोलह, दो नौ है अठारह। सात ज़रब छः, सात का पारा हमको छः तक पढ़ना है, सात एकम सात, सात दोनी चौदह, सात तीन इक्कीस, सात चौक अट्ठाईस, सात पंच पैंतीस, सात छक्के बयालीस। वैसे ही हमें छः ज़रब सात, यानी कि छः का पारा सत्ते तक पढ़ना है, छः कम छः, छः दून बारह, छः ते अठारह, छः चौक चौबीस, छः पैंतीस, छः छः छत्तीस, छः सत्ते बयालीस। यहाँ पे हमें आठ ज़रब तीन, आठ का पारा तिया तक पढ़ना है, आठ एकम आठ, आठ दून सोलह, आठ तिया चौबीस। तीन ज़रब आठ, तीन का पारा हमें आठ तक पढ़ना है, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक बारह, तीन पंच पंद्रह, तीन छक्के अठारह, तीन सत्ते इक्कीस, तीन अठे चौबीस। छः ज़रब पाँच, छः का पारा हमें पंज तक पढ़ना है, छः कम छः, छः दूनी बारह, छः ती अठारह, छः चौक चौबीस, छः पंजे तीस। पाँच ज़रब छः, पाँच का पारा हमको छक्के तक पढ़ना है, पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, पाँच तिया पंद्रह, पाँच चौक बीस, पाँच पंजे पच्चीस, पाँच छक्के तीस। हमने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ अदद जो है उनकी जगह बदली, जैसे कि यहाँ पर पाँच तो यहाँ पर पाँच, यहाँ पर छः तो यहाँ पर छः, मगर हमें हासिल ज़रब एक ही मिला। यहाँ पर भी हमने वही किया, आठ ज़रब तीन, यानी कि यहाँ पर तीन, यहाँ पर तीन, यहाँ पर आठ, यहाँ पर आठ,
अदद की जगह हमने तब्दील कर दी, लेकिन हासिल जरब वही मिला। अददों की तरतीब तब्दील हो जाए तब भी जरब वही आती है। जरब की क्या खुसूसियत है कि अगर हम अदद की तरतीब चेंज करें तो भी हमें वही जवाब मिलता है। जैसे 5 ज़रब 6 मसावी है 6 ज़रब 5 के, वैसे ही 3 ज़रब 8 मसावी है 8 ज़रब 3 के, वैसे ही 6 ज़रब 7 मसावी है 7 ज़रब 6 के, उसी तरह 2 ज़रब 9 मसावी है 9 ज़रब 2 के, जो कि हमने ऊपर देखा है, जिसके हासिल ज़रब सेम ही आया। सिफर की ज़रबी खसूसियत, अब हम पढ़ेंगे सिफर की ज़रबी खसूसियत। हमें यहाँ पर 4 कटोरी दी हुई है, 1 2 3 4, कितने कटोरियाँ दी हुई हैं? 4। और हर कटोरी में कितने छोटे छोटे गोलियाँ हैं? 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी हर कटोरी में कितनी गोलियाँ है? 2 गोलियाँ है। तो हम इसे 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 इस तरह लंबा लिखने की जगह हम क्या करेंगे, 2 ज़रब 4, यानी कि हर कटोरी में कितने गोलियां है? 2, और कुल कटोरिया कितने? 4, इसलिए हम करेंगे 2 ज़रब 4। 2 का पारा हम चौक तक पढ़ेंगे, 2 एकम 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, तो क्या जवाब है रामा? 8। वैसे ही हम यहाँ पर नीचे 1 2 3 4 और कितने कटोरी दी? 4, और हर कटोरी में छोटे छोटे गोलियां कितने हैं? सिर्फ 1 गोली, हर कटोरी में 1 गोली है। तो हम इसको 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 लिखने की बजाय 1 ज़रब 4, 1 का पारा हम चौके तक पढ़ेंगे, 1 एकम 1 1 2 2 1 3 1 4, तो कितना जवाब आया? 4। अब हमें नीचे फिर कितने कटोरी दी? 1 2 3 4, 4 कटोरी, मगर अंदर कितने गोलियां है? कुछ भी नहीं, यानी कि सिफर। तो हम क्या करेंगे, सिफर को ज़रब देंगे 4 से, तो हमारा क्या जवाब आएगा? सिफर। किसी भी अदद को सिफर से ज़रब की जाए या सिफर को किसी भी अदद से ज़रब की जाए तब हासिल ज़रब सिफर ही आता है। जैसे 4 ज़रब 0 या 0 ज़रब 4, तो हमारा जवाब क्या आया? सिफर। कितना भी बड़ा अदद हो अगर हम उसे सिफर से ज़रब देंगे तो हमें सिफर ही जवाब हासिल होगा। ज़रब करो, अब हम ज़रब का अमल करेंगे। 9 ज़रब 8, 9 का पारा हम 8 तक पढ़ेंगे, 9 एकम 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72। वैसे ही 8 ज़रब 9, 8 का पारा हम 9 तक पढ़ेंगे, 8 एकम 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72। 6 ज़रब 3, 6 3 18, 3 ज़रब 6, 3 6 18, यानी कि हमने इसको 6 को ज़रब किया 3 से तो भी हमारा जवाब 18 ही आया, और हमने 3 को ज़रब किया 6 से तो भी हमारा हासिल ज़रब 18 ही आया। 7 ज़रब 0, 0 ज़रब 7, जवाब क्या था? 0। 8 ज़रब 0 या 0 ज़रब 8, हासिल ज़रब 0। 2 चौक 8, 4 2 8, 7 3 21, 3 7 21। देखा बच्चों, हमने यहाँ पर ज़रब का अमल किया पहाड़ों की मदद से। अगर हमें पहाड़े याद है तो ज़रब का अमल हमारे लिए बहुत आसान है, इसलिए पहाड़े याद करो। आपको आज का होमवर्क यही है कि 1 से लेकर 10 तक पहाड़े याद करना है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।